सर्वपितुमोक्षमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस बार सर्वपितुमोक्षमावस्या 14 अक्टूबर को है। इस दिन भगवान विष्णु के हंस स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भी पितृगणों के लिए श्राद्ध तर्पण व पिंडदान किया जाता है, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। पितृपक्ष श्राद्ध की शुरुआत इस बार 29 सितंबर से हुई थी और इसका समापन अब 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। सर्व पितुमोक्ष अमावस्या के दिन सर्व पितुमोक्ष अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृमावस्या और पितृमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्व पितु मोक्ष अमावस्या अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण श्राद्ध आदि नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं हो, उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। सर्वपितु अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के अध्याय का भी पाठ करते हैं और पंडितों को भोजन खिलाकर और उनको उचित दान दक्षिणा देकर विदाई करती हैं। इस दिन अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है, इसलिए विशेष सावधानियां जो सूर्य ग्रहण में की जाती हैं उनको बरतें। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।